वेलकम टू माय चैनल स्टॉक फंडा। स्टॉक फंडा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो हम बात करेंगे आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में नंबर वन है हिंदुस्तान में। ये दो कंपनियां हैं ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो जो कि टक्कर दे रही है टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी को, टाटा जैसी लार्ज कैप कंपनी को। टाटा अभी तक जो है बसेस में और ट्रक्स में था, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो नंबर वन है इस टाइम हिंदुस्तान में वो है कंपनी ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो। ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में तकरीबन 700-800% का रिटर्न दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका चार्ट और हम चलेंगे बात करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो अभी तक पिछले 2 सालों में ये कंपनी के पास बहुत अच्छे ऑर्डर मिले कंपनी को और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस जो हैं आसमान को छू रहे हैं और पोल्यूशन के चक्कर में सारे स्टेट्स अपने स्टेट्स में जो है जो सरकारी बसें चलती हैं उनके लिए ये जो दो कंपनी हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबी मोटो इन दो कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं और काफ़ी इनको ऑर्डर मिल चुके हैं महाराष्ट्र से, राजस्थान से, अपना दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से, केरला से, और भी पुणे से, और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ से इनको काफ़ी ऑर्डर मिले हैं। और ये जो दो कंपनी हैं आपको फ्यूचर में मल्टी बैग रिटर्न देंगी। 5,000 रुपये आप एफडी से निकाल के भी यहाँ लगा के भूल जाओ और अपने बच्चों के लिए ये सोचो कि हमने जमा करके रखे हैं, और ये पैसे 5,000 रुपये आपको 1 करोड़ बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखो 15 से 20 साल, ये 5,000 आपका 1 करोड़ बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स, मैं सब क्यों कह रहा आपको दिखाना चाहूँगा मैं। तो पहले बात करूँगा मैं ओलेक्ट्रा की। ओलेक्ट्रा जो कंपनी है ये ओलेक्ट्रा बनाती है इलेक्ट्रिक बसेस। ये आप देख रहे हैं इस पे बसेस का, ये काफ़ी सारी बसेस इनके जो मॉडल्स हैं ये इन्होंने बनाए हैं, ऑलरेडी जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, मद्रास में, चेन्नई, केरला में, पुणे में, अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आपको जरूर ये बसें आपको रोड पर चलती हुई दिख जाएंगी, वो भी सरकारी बसें। सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए इन इनको ऑर्डर दिए ओलेक्ट्रा और जेबीएम को। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो बसेस बनाती है बसेस के साथ में ये बनाती है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर्स। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये है इंसुलेटर्स। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो सप्लाई होती है उसके लिए जो केबल्स को जो अलग करना होता है, केबल्स को डिफरेंट डिफरेंट सेट करना होता है, ये उसके लिए इंसुलेटर काम आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं। तो ये कंपनी वो बनाती है, इंसुलेटर्स बोलते हैं, और ये एक्सपोर्ट भी करती है। इनकी जो बसेस हैं K6, K7, K9, और जो ये है कंपनी एक BYD, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए इसको, स्किप मत कीजिएगा। ये है BYD टेक्नोलॉजी पार्टनर। BYD कभी भी आप जाके गूगल में सर्च करना BYD क्या है, तो मैं आपको बता दूं BYD जो है चाइना की कंपनी है, नंबर वन कंपनी है दुनिया में, ये चाइना की कंपनी है BYD। और BYD कंपनी दुनिया की नंबर वन कंपनी है जो कोलैबोरेशन किया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ में। तो इसके जो भी पार्ट्स वगैरह आते हैं वो आते हैं चाइना से, और कुछ पार्ट्स जो बनते हैं वो बनते हैं इंडिया में। तो ओलेक्ट्रा ने BYD के साथ पार्टनरशिप करके ये कंपनी हिंदुस्तान में बन के तैयार हुई है, और इसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इन बसों की डिमांड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि BYD दुनिया में नंबर वन है। दुनिया में काफ़ी देशों में BYD कंपनी के बसेस चल रही हैं। आप गूगल जाके सर्च करें BYD दुनिया में सबसे नंबर वन कंपनी कौन सी है जो इलेक्ट्रिक बसेस में काम करती है। तो BYD के साथ में पार्टनरशिप है, तो जो सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की BYD के साथ पार्टनरशिप है उससे ज़्यादा कोई कंपनी इसको टक्कर नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ध्यान में रखना, अगर आपके पास निवेश के लिए छोटा अमाउंट है 2,000, 4,000, 5,000, इसको डाल के भूल जाओ। जैसे आप FD करते हो 4 साल 5 साल के लिए, तो इसको डाल के भूल जाओ, आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा हो जाएगा, और डाल के भूल जाओ, ये कंपनी आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा देंगी। इसके बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि इसका रिजल्ट आया अभी एक दिन पहले। चलिए चलते रिजल्ट की तरफ। ग्रीन टेक के रिजल्ट, जो रिजल्ट आए काफ़ी अच्छा है। जी मार्च 2022, जी 200 सॉरी
इसमें 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 32 करोड़, ठीक है। और एक साल पहले कितना था यहाँ पे, एक साल पहले इसमें प्रॉफिट था 18 करोड़, 18 करोड़ से 32 करोड़ प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये था 13 करोड़, अभी कितना है 24 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना था पहले, पहले था 10 करोड़ पिछले साल के मार्च में, अभी है 18 करोड़। तो कहाँ 10 करोड़ का, 10 करोड़ से 18 करोड़ हो गया, 10 करोड़ मतलब आपका 80% प्रॉफिट है इसमें, मतलब पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर को हम चेक करेंगे तो 10 करोड़ का 18 करोड़ हो गया, समझो कि 80 गुना बढ़ गया आपका, 80% बढ़ गया आपका, तो प्रॉफिट ज़बरदस्त है। और इसके लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में, और हम बात करेंगे अभी JBM ऑटो की। पहले इसका चार्ट देखते हैं, चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं, क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें आपका पैसा जो है 1 करोड़ बन सकता है। ये देखिए 2020 में कितना प्राइस था इसका, 65 प्राइस था। सोचो कि आपने इसमें एक शेयर लिया होता 60 रुपये, 62 रुपये का, अभी कितना हो गया इस टाइम, इस टाइम हो गया 627 रुपये, मतलब कितना हो गया, 62 का 627 कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। 10 गुना कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में 10 गुना हो सकता है, तो आने वाले 15 से 20 साल में ये 1000 गुना हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड रेट से जो है प्रॉफिट बढ़ता है। एक शेयर आज अगर 60 का है तो यहाँ पे 600 का हो गया, 2 साल बाद देखेंगे तो 1200 का हो जाएगा, 1500 का हो जाएगा, 1500 का 3000 होगा, 3000 का 6000 होगा, 6000 का 18000 होगा, इस तरीके से प्राइस बढ़ते हैं। तो इस शेयर में आप देखिए, इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। इलेक्ट्रिक इंटेक बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं। जी वेबसाइट है, जी वेबसाइट है स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर.इन जी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं स्क्रीनर.इन पे, इसके फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में। चलिए बात करते हैं अभी हम JBM ऑटो करेंगे, JBM ऑटो की। JBM ऑटो जो है ये काम करती है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। JBM ऑटो एंगेज इन ऑटोमोटिव बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स, टूल्स, डाइस, मोल्ड बसेस, इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट, एक्सेसरी, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बसेस। ये जो बसेस की जो बॉडी बनती है उसके लिए जो मेटल शीट्स आती हैं वो शीट्स का कारोबार करती है, और डाइस का, टूल्स का, मोल्ड्स का, ये जो बसेस बनाने के लिए काम आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस बनाती है JBM ऑटो, तो ये भी इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। और इसके हम बात करेंगे करंट प्राइस चल रहा है 502 रुपये, और इसका जो आपको दिखा तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं हम इसका, 3 महीने, 3 साल का, 3 साल का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। 2020 में कितना था प्राइस का, 60 रुपये, आज कितना प्राइस चल रहा है, 500 रुपये। तो ये भी तकरीबन इलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कंपनी है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिजल्ट जो आए हैं अभी, इसके रिजल्ट हम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। अभी इसके रिजल्ट हैं मार्च के, आपको दिखाता हूँ मैं, मार्च में इसके रिजल्ट आए हैं, ये है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया सेल्स, सेल्स कितना हुआ है 1072 करोड़, ये लास्ट ईयर के क्वार्टर में कितना था 745, अभी कितना हो गया 1072 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर में 83, अभी कितना हो गया 115। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था लास्ट ईयर मार्च में 51 करोड़, अभी कितना हो गया 74 करोड़, करीब 50% बढ़ गया इसमें। नेट प्रॉफिट कितना था 33 करोड़, अभी कितना हो गया 86 करोड़, तकरीबन 2.5 गुना हो गया, ये 33 करोड़ का 86 करोड़ हो गया, ठीक है। और EPS कितना, अर्निंग पर शेयर 2.77, अभी कितना हो गया 7.26। लेकिन मैं आपको बता दूं इन दो शेयर्स में अभी गिरावट क्यों है, पिछले दो तीन महीने से जबकि मार्केट में गिरावट है, इन शेयरों में भी गिरावट है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये दो कंपनी है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और JBM ऑटो, ये ASM लिस्ट में है। ASM लिस्ट होता है एडिशनल सर्वाइलेंस मेजर, NSE और BSE में ये जो दो कंपनी काम करती हैं, इन शेयर्स में जब सर्किट लगता है 10% का, 5% का, और रेगुलर जो सर्किट लगता है इसमें, तो SEBI जो है छोटे निवेशकों को बचाने के लिए, ताकि इसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो ये SEBI जो है इन शेयर्स को वॉच लिस्ट में डालती है, जिसके बोलते हैं ASM, ताकि ये मालूम पड़े कि ये जो पिछले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं या जो भी डिलीवरी उठाई गई हैं, जो भी प्रॉफिट बुक किया है, किन लोगों ने किया है और कितने शेयर्स लेके किया है, कहीं ये वही तो लोग नहीं है जो लोग शेयर उठा के बेच रहे हैं फिर खरीद रहे हैं और मार्केट नीचे ऊपर कर रहे हैं, मार्केट को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारे ट्रेडर लोग जो होते हैं वो उसको ट्रेडिंग एज ए ट्रेडिंग एस्पेक्ट इस्तेमाल करते हैं और
उस चक्कर में जो छोटे निवेशक फंस जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे TTML का शेयर है वो 10 रुपये से लेकर 300 रुपये शेयर हो गया, तो उसमें जो है प्रमोटर नहीं, इसमें जो ट्रेडर जो गेम करते हैं इसमें, क्योंकि वो शेयर्स हमेशा अपर सर्किट या तो अपर सर्किट चलेंगे या फिर लोअर सर्किट चलेंगे, तो इसलिए ऐसे वाले शेयर्स को ट्रैक करती है NSE और BSE और SEBI इसको ट्रैक करती है, और ट्रैक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो ये ASM लिस्ट से बाहर आते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ दोनों शेयर ASM लिस्ट में है, इसलिए जो शेयर है अभी इतना ऊपर नहीं है। पीछे आपने देखा होगा कभी कभी ये शेयर जो है 5% 10% अपर सर्किट चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर आपको फिर 4-5% 6% नीचे दिखते हैं, तो इसलिए इनको SEBI वॉच लिस्ट में डाल कर रखती है, और जब ये वॉच लिस्ट से बाहर आ जाएंगे तो फिर ये शेयर्स वापस आपको अपर सर्किट में ही दिखेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपर सर्किट में क्यों हैं ये शेयर्स और लोअर सर्किट में क्यों हैं। जी आगे हम इसके चार्ट पे, अभी इसका 1 साल का चार्ट है, ये 5 साल का चार्ट है, 1 साल के चार्ट में कितना प्राइस है यहाँ पे 171 से 600 कितना 800 कितना चला गया, ये जब यहाँ पे दिसंबर में आया था, दिसंबर आने के बाद ही ये ASM लिस्ट में चला गया था। ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ इंटेंसिक वैल्यू क्या कहता है इसमें, इनसफिशियंट डाटा, ROE क्या कहता है इसमें, स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। ये पिछले 3 महीने में ये जो शेयर है ASM लिस्ट में है, इसलिए इसके रिजल्ट जो है 3 महीने में 4 महीने में इसने कोई प्रॉफिट नहीं दिया, 3 महीने से शेयर डाउन है, क्योंकि 800 से सीधा एक करीब 300 पे आ गया था, और सॉरी 600 पे आ गया था। और एंट्री पॉइंट देखेंगे हम इसमें, एंट्री पॉइंट क्या कह रहा है, एंट्री पॉइंट कह रहा है गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, और ये क्या कह रहा है रेड फ्लैग स्टॉक इन ASM लिस्ट, तो ये शेयर ASM लिस्ट में है इसलिए इसमें गिरावट है हल्की फुल्की, और ये जो है 600 के रेंज में चल रहा है, ये मार्च से 600 के रेंज में चल रहा है। और जो दूसरा शेयर है वो JB Moto भी सेम है, वो भी तकरीबन इसी तरीके से चल रहा है। JB Moto जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, JB Moto ये भी तकरीबन 1 महीने में, ये देखिए 1 साल में देखते हैं, ये भी 600, 450, 500, 550 इसी रेंज में चल रहा है, और अभी इसको लेने फ़ायदा है क्योंकि जब ASM लिस्ट से बाहर आ जाएंगे तो ये शेयर आपको ये प्राइस में नहीं मिलेंगे। देखिए स्टॉक इज इन ASM लिस्ट, ये क्या कह रहा है एंट्री पॉइंट क्या कहता है, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो ये शेयर पर नज़र रखें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JB Moto याद रखेंगे, मैंने आपको कहा है इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें और बच्चों के लिए एक अच्छी रकम जमा करें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।